गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नया ब्लॉग लेके। आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं लेके आई हूँ इसमें मीशो हॉल, जो कि काफ़ी दिनों के बाद लेके आ रही हूँ। इसमें है समर वेयर कुर्तीज एंड पैंट, पूरा सेट भी है, दुपट्टे भी इसके साथ में है। आई होप आप लोग जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी मेरे ब्लॉग पड़े हुए हैं, वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। जो ज़्यादा पता नहीं करते, बढ़ते अपने ब्लॉग की तरफ। ज़्यादा पता नहीं करते, बढ़ते अपने ब्लॉग की तरफ। तो मेरे पास ये कुछ हैं कुर्तियाँ एंड सेट हैं जो कि हैं, और ये दुपट्टे हैं। तो चल एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ला रही हूँ अपने जो है कुर्ती, जो कि कुछ इस टाइप से है, पूरा सेट है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पहले भी मतलब मीशो हॉल पर देखा होगा। इस तरीके के सूट पहले भी आप विजिट कर चुके होंगे। तो मैं ला रही हूँ इस टाइप में, ये पूरा प्योर कॉटन का सूट है, आप देख सकते हैं इस टाइप में है ये। काफ़ी मतलब इसको पहनने पर भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है। ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी आएगी यहाँ पे गले पे, नेक पे इसके थोड़ा सा बस जो है वर्क टाइप से आएगा, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है, चुभने लायक भी नहीं है। और ये काफ़ी मतलब अच्छा है, इसी प्योर कॉटन है, कोई भी जो है मतलब दूसरा फैब्रिक मिक्स नहीं है। इसमें 3/4 स्लीव्स आती हैं, अगर आप स्लीव्स भी ढूंढेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, 3/4 स्लीव्स मिलेंगी, जो कि कुछ इस टाइप में है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड इसका फैब्रिक, इसमें गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। मैं इसको पहन के ट्राई करके देख चुकी हूँ, अगर इसके साथ फोटो वगैरह वीडियो होगा तो मैं साइड में अटैच कर दूँगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ज़्यादा तो आप इस टाइप से आप दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, एंड इसका प्राइस भी सही है, ज़्यादा मैं कॉस्टली नहीं है। इसके साथ एक आती है पैंट, जो कि कुछ इस टाइप से है। मेरी तो जो है वेस्ट ये है इसकी पैंट, जो कि इस कलर में है, और ये काफ़ी अच्छी है। इसकी मोहरी वगैरह जो है काफ़ी कम है, ज़्यादा मतलब प्लाजो टाइप से नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इस टाइप से इसको दे सकते हैं, ये है इसका पूरा सेट सूट का। और इन दोनों के साथ ये दुपट्टा भी है इसका, जो कि दुपट्टा भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है, आप देख सकते हैं इस टाइप में बहुत ज़्यादा हल्का है, सिफॉन का दुपट्टा है, बहुत कंफर्टेबल है ये पूरा सूट, बहुत कंफर्टेबल है। मैं इसको गई हूँ गर्मी में पहन के कई बार मंदिर वगैरह, तो ये बहुत हमको कम्फर्टेबल लगा, बहुत ही अच्छा मतलब आराम है। कलर भी इसका लाइट या डार्क नहीं है, तो गर्मी में पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर ये था मेरा पहला प्रोडक्ट, जो कि था कुर्ती एंड बॉटम का पूरा सेट विद दुपट्टा। अब मैं ला रही हूँ अपना दूसरा कुर्ती का सेट, जो कि कुछ इस टाइप में है। ये है थोड़ा जो है मतलब चुनरी प्रिंट में, जो कुछ इस टाइप से इसका वर्क है, और ये है इसका बॉटम। इसके ये विदाउट दुपट्टा है, इसके साथ दुपट्टा नहीं है, आपको अलग से लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में ये कुर्ती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी जब मैंने इसको मंगाई थी, बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसका सिर्फ सिंपली ये वर्क है, खाली नेक पे इसका वर्क आएगा इतना सा बस, और कुछ भी नहीं आएगा। और ये इसके स्लीव्स आप हाफ नहीं मिलेंगी, आपको 3/4 ही मिलेंगी। स्लीव्स में भी हल्का सा बॉर्डर दिया हुआ है, जो कि सूना सूना नहीं है, अच्छा लगेगा, एंड खाली भी नहीं लगेगा। आप जैसे कुछ इस टाइप से है, ये है गोटा पत्ती वाला बॉर्डर, जो कि इसके नेक पे भी पूरा गोटा पत्ती का काम है, एंड इसके और कहीं भी कोई भी वर्क नहीं है। नीचे पूरा प्लेन है, ये देखिए नीचे पूरा भी प्लेन है, और जो है बैक भी पूरा प्लेन है, बैक में भी कोई वर्क नहीं है, सिवाय आगे है नेक पर इसके, और इसके स्लीव्स में वर्क है, इतना ही इसका मतलब। ये फैब्रिक काफ़ी कम्फर्टेबल है, और इसका फैब्रिक जो है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड बहुत ज़्यादा इसका रियॉन फैब्रिक है, और इसका फैब्रिक बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा बहुत स्मूथ वाला फैब्रिक है, आप देख सकते हैं इसको पहनने पर भी बहुत कंफर्टेबल है। इसके साथ एक हमको पैंट मिलती है, मैं आपको दिखाती हूँ, उस पर भी पूरा पिंक कलर का फ्लावरिंग है, इस टाइप में पूरा फ्लावर्स बना हुआ है, और ये पैंट है। इस पैंट की थोड़ा जो नीचे का है ना ये मोहरी है, बहुत ज़्यादा मतलब ढीली आती हैं, आपको इसको फिटिंग करवाना पड़ेगा, लेकिन ये पैंट साइज वाइज ही मिलेगी, लेकिन इसका फैब्रिक इसका भी बहुत अच्छा है। इन दोनों का मैक्सिमम प्राइस भी बहुत अच्छा है, अगर साइड में मैं इसका प्राइस देख के लगा दूंगी, आप लोग साइड में देख लीजिएगा जब ब्लॉग आप पूरा चेकआउट करेंगे तो। लेकिन इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल प्राइस में है, ज़्यादा मतलब इसमें कुछ भी नहीं करवाने की ज़रूरत है। फिटिंग प्रॉपर आती है, आप जो साइज़ मंगाएंगे आपको वही फिटिंग मिलेगी, आपको कुछ अलग से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मैंने मंगाया है मीशो से, मीशो काफ़ी अच्छा है, मतलब फैब्रिक वगैरह पैसों के हिसाब से फैब्रिक वगैरह भी काफ़ी अच्छा आता है। मैंने आज तक जितने भी सूट मंगाए हैं, जितने भी मेरे व्लॉग में सूट पड़े भी हैं, आप देखेंगे चेकआउट भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे मतलब मुझे रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं सूट, अदरवाइज मुझे इधर उधर कहीं भागना नहीं पड़ता है। तो
तो ये हो गए मेरे दो प्रोडक्ट हो गए हैं, जो कि दो सूट हैं, एक विद दुपट्टा है और एक विदाउट दुपट्टा है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। एंड ये वाला सूट है जो कि ये भी पिंक कलर का है, ये मुझे रिसीव हुआ है कल परसों में, आई थिंक रिसीव हुआ है। और ये वाला सूट मुझे आई थिंक कल पता नहीं परसों मुझे रिसीव हुआ है, क्योंकि मैंने मंगाया था, ऑर्डर किया था। ये सूट मैंने अपने लिए मंगाया था, मम्मी के लिए मंगाया था, जो कि ये साइज़ काफ़ी बड़ा आएगा, इसलिए मैंने बड़ा साइज़ ही मंगाया था। ये पूरा पिंक कलर में है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, गोटा पट्टी वाला इसका भी वर्क है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप में है। इसमें दो शेड थे, एक येलो था, एक मतलब ये पिंक कलर था, तो मम्मी बोली मुझे पिंक कलर ही चाहिए, तो मैंने ये पिंक कलर मंगाया था। इसके साइज स्लीव्स में भी बॉर्डर दिया हुआ है, प्रिंट है मतलब जो है स्लीव्स में गोटा पट्टी वाला वर्क नहीं है, सिर्फ खाली प्रिंट वाला वर्क है, आप ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा और पास में जाए। और कुछ इस टाइप से इसकी भी स्लीव्स हैं, स्लीव्स सब में 3/4 ही आती हैं, और मतलब जो है स्लीवलेस वगैरह नहीं आते, उसमें जो है ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन नहीं मिल पाती हैं। हाँ, ये नेक पे इसके थोड़ा सा वर्क है, जो कि गोटा पत्ती वाला वर्क है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप वर्क है। अदरवाइज पूरे सूट में खाली प्रिंट है, और कहीं पर भी कोई मतलब गोटा पत्ती या फिर कहीं कोई बॉर्डरिंग वगैरह कुछ भी नहीं दी गई है। बैक तो पूरा ही प्लेन है, बैक में कुछ भी नहीं है सिवाय सिर्फ नेक पे है। मैंने ये ट्रिपल एक्सल मंगाया था मम्मी के लिए, मैं इसके साइज में फ़ोटो अटैच कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा इस टाइप में है कुछ। लेकिन फैब्रिक वगैरह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसका भी रियॉन फैब्रिक है और कोई फैब्रिक नहीं सिवाय रियॉन फैब्रिक है इसका। इसके साथ एक पैंट आती है जो कि कुछ इस टाइप में है, ये भी जो है पूरी वाइट प्रिंट पे है, इसमें पिंक कलर की पूरी प्रिंट है, और साइज़ ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्री है साइज़, आप देख सकते हैं इस टाइप में है। और इसकी पूरी पैंट कुछ इस टाइप में है, मतलब पूरा पिंक वर्क में है, मतलब प्रिंट है इसका पूरी पैंट में, और नीचे इसके सिर्फ बॉर्डरिंग दी गई है, मतलब ऐसे इस टाइप में दिया गया है, नीचे सिर्फ बॉर्डर दिया गया है बस, मतलब मोहरी पे ऐसे करके जब पहनेंगे तो नीचे सिर्फ बॉर्डर आएगा बस। लेकिन पैंट फिर भी मम्मी कहेंगी घेर बहुत है इसका, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप में है। लेकिन पैंट का फैब्रिक भी बहुत कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ है फैब्रिक इसका, कॉटन का है, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल है। तो ये हो गया था मेरा तीसरा, मतलब जो है तीसरी कुर्ती का पूरा सेट, इसमें विदाउट, हाँ ये विदाउट दुपट्टा है, इसमें दुपट्टा नहीं है, आपको अलग से लगाना पड़ेगा। और जो है इसका भी प्राइस मैं आगे मेंशन कर दूंगी देख के, क्योंकि मैं भूल गई हूँ प्राइस आगे, मतलब यहाँ जब आप व्लॉग मेरा पूरा आगे का देखेंगे तो इसका मैं अगर प्राइस ढूंढ ढांड के इसको लगा दूंगी, फ़ोटो विद फ़ोटो के साथ प्राइस भी नीचे मतलब जो है दिखा दूंगी आपको, तो आप लोग जो है पूरा व्लॉग देख लीजिएगा, उसमें चेक कर लीजिएगा कहाँ प्राइस क्या लिखा हुआ है, आपको जो है सब पता चल जाएगा। तो फिर मैंने मंगाया है दुपट्टा, क्योंकि मैंने सब सूट मंगाए थे, तो एक का सूट दुपट्टा था, और मेरे पास कई भी कुर्तियाँ थी जिनका सूट मुझे मतलब जिनका दुपट्टा मेरे पास नहीं था, जो मतलब दुपट्टे थे ख़राब हो गए या फिर नहीं था दुपट्टा, नहीं मिला सिर्फ किसी सूट में, तो मैंने दुपट्टा भी ऑनलाइन ऑर्डर किया है। एक ये है जो कि बंधेज में फैब्रिक में है, चुनरी प्रिंट में, काफ़ी अच्छा दुपट्टा है ये मुझे 129 के आई थिंक मुझे मतलब रिसीव हुआ है दुपट्टा। ये नीचे इसके जो है इस टाइप से मतलब जो है लेस लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये बंधेज में है, काफ़ी मतलब अच्छा है, काफ़ी मतलब इसका प्राइस के अकॉर्डिंग ये दुपट्टा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यही मार्केट में हम लोग लेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, कुछ इस टाइप में है, आप देख सकते हैं। इसकी चौड़ान भी मतलब चौड़ाई भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है, इतनी इसकी चौड़ाई है, आराम से इसको हाँ ये मल्टी कलर है, किसी पर भी आपका चल जाएगा, किसी को आप सूट वगैरह पहनेंगे किसी पर भी चल जाएगा। और मैंने मंगाया है जो मैंने 4 का सेट दुपट्टे का मंगाया है, जो कि इस टाइप से मुझे रिसीव हुआ था, ये 4 का सेट मुझे रिसीव हुआ था, ये 100 रुपये में आई थिंक मुझे रिसीव हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये 100 रुपये में आई थिंक मुझे रिसीव हुआ था, क्योंकि कुछ इस टाइप में रेड भी है, येलो भी है, वाइट भी है, जो कि मेरे ये 4 कुर्ते के 4 सूट के साथ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ सूट ऐसे भी हैं जिनके साथ दुपट्टा नहीं है, जो मैं अलग अलग वेयर करती हूँ, और ये दुपट्टा इस टाइप में आएगा, इसमें मैंने साइड में ये इस टाइप में लगी हुई है मोतियाँ, आप देख सकते हैं। और इसके भी चौड़ान काफ़ी हल्की हैं, और ये प्योर कॉटन के हैं, ऐसे नहीं है कि शिफॉन में है, हल्का सा शिफॉन है, कॉटन का है, लेकिन काफ़ी इसकी लेंथ वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, और दुपट्टे काफ़ी अच्छे निकले मेरे, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे हैं, इसमें 3 कलर हैं था। मीशो हॉल काफ़ी मैं लेट ला रही हूँ, मतलब काफ़ी मैं लेट ले आती हूँ बीच खुच में, आई थिंक कुछ ज़रूरी नहीं कंपल्सरी नहीं कि मैं मीशो हॉल लेके ही आऊँ, मैं आती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मतलब मैंने ट्राई किया हुआ था कि हाँ मुझे पसंद है, तो वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये था मेरा कुछ सूट का कलेक्शन जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिएगा मेरे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए दिन के साथ, नई शुरुआत करते हैं, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।